गाइस शाम का वक्त हो चुका है, मेरी छुट्टी आराम से सो गई है अपने नानी के गोद में और यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं आटा बेलने की। व्हाट इज दिस? वाओ, मई 23 और यहाँ भरा रहा है सत्तू लिट्टी। लिट्टी का सर वो गोल गोल लिट्टी भी होता है ये वाला, और लेकिन इन लोग को बेला हुआ अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में नहीं खाते थे ना गोल वाला, बेला हुआ ही खाते थे। इनका दांत अभी कमजोर हो गया है। सत्तू का पराठा, पूरी सत्तू का हम लोग बहुत पहले कवर चढ़ाई क्यों नहीं खाती है बुआ? सत्तू का पूरी, सत्तू का पूरी खाती है। पराठा तवा पे पराठा होता है और सत्तू के साथ दही खाती है। सब लहसुन तो अपनी खाती है ऐसे, हम लोग तो कुतरी कुतरी काट के तब बनाते हैं सत्तू। अमीर हम लोग मिसते हैं तो इसको काट लेते हैं। उतना लोग कैसे के लिए इधर मेरी और एक बुआ बैठी है, चारों यहीं पे। हम सब घर की बेटी लोग यहीं पे हैं और मम्मी भी हैं यहाँ पे, बाकी उधर चाची भी बैठी हुई हैं। प्रिंस जी प्रस्थान करते हुए इनको देख सकते हैं, उल्टी हुआ है। कैसा लगा उल्टी करके? उल्टी नहीं की है, उल्टी जैसा मन हो गया। डकच दी है, डच के नहीं है। उल्टी जैसा मन आपको क्यों है धनिया सिंह? कार में लंबा सफर करते करते थोड़ा मन। कितना लंबा गए थे, कितना किलोमीटर गए थे? यही थे नहीं, एक घंटा दो घंटा का रास्ता था। एक घंटा में इनको उल्टी हो गया। सिवान से कैसे आया जी तुम? है नहीं शाम का वक्त, और इस टाइम पे होता है सारा गाना वाना जो भी झूमर वगैरह होता है वो हो रहा है। फिलहाल मेरी छुटकी की आँख में ना वो रेड रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने वो पुछपुछिया लगाया, पुछपुछिया को पता नहीं क्या बोलते, बट बड़ी मम्मी और बोल रहे हैं कि इसको आँख आ गया है, तो देखते हैं क्या होगा। मम्मी बोली है पुछपुछ, मैं बड़ी मम्मी बोल रही थी पुछपुछिया से ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी जो लोग बोले हैं कि दूध वगैरह डालने से, वो तो किया है बट अभी तिलक के दिन तो थोड़ा ठीक था बट अभी नहीं हो रहा है। एंड इसी बीच पापा जी अभी बाहर कहीं गए हुए हैं काम से, और हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। आज तो पूरा बायना वायना बटाया, लेकिन आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, तो बिल्कुल नहीं किया। लेकिन सब लोग इंतज़ार में रहते हैं कि शादी का घर है तो कुछ ना कुछ व्लॉग आएगा। बाकी इतना ही बोलूँगी गाइस, बहुत सारे कॉमेंट्स भर जा रहे हैं बट मैं इतना बोलूँगी कि अभी शादी का माहौल है तो लेट्स इन्जॉय दैट। और इन्जॉय क्या, वो तो होना ही है, शादी होना ही है, बाकी सब चीज़ें लगी रहती है, टेम्पररी है। आज ठीक है, कल बिगड़ेगा फिर परसों ठीक होगा, तो कोई बात नहीं है। छुटकी मेरी ऐसे टर्न हो गई एकदम। अपनी नानी को बुला रही है, नानी मम्मी मम्मी ये देखिए उठ गई मम्मी, पलट गई है अब पीछे से। लोढ़ा लिया कर रखो इसके पीठ पे, ऐसा होता है क्या? हाँ सिलवट रखा जाता है। अरे आप दबा जाएगी तो? अरे यार तुम तो पलट गई। पलट कैसे, उठा ली थी माओ जैसा। कब बैठेगी मम्मी ये? अब बैठेगी। ओए बा आए बा, नानी के पास घूम गई। सो गाइस अभी छुटकी अब पलटी अल्टी करने लग गई, बाबा देखो धीरे धीरे पूरा उठ गई। उसको खाली खड़े होने में मजा आता है, उठे ही नहीं। और इसी के साथ आज प्रिंस की हुई है कुछ
उपटन उपटन जो भी चीज़ें वो बुआ लोग की हैं, तो उनके कंटेंट उनके ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मतलब मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब से सारी चीज़ों के अपार्ट हम लोग आए हैं शादी में, तो डेफिनेटली शादी को इंजॉय करेंगे, खूब सारा व्लॉग डालेंगे बैक टू बैक। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी क्या क्या चीज़ें आई हैं वो आप लोग दिखाइएगा, तो जितना हो पाएगा दिखाएंगे। वो दिखाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो प्रिंस तो डिटेल में करेगा ही जो करना है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। बट मैंने उस दिन तिलक के दिन भी व्लॉग्स उतने बनाए नहीं है कि हर एक सामान का, वरना सब कुछ रखा होता आराम से बना सकते हैं। बट यही होता है कि प्रिंस के घर से आया है, मतलब ससुराल से आया है, तो प्रिंस ज़्यादा अच्छे से अनबॉक्सिंग करेगा, प्लस जो भी है वो इंजॉय करे उस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा। हम लोग भी करेंगे धीरे धीरे, मैं भी बीच बीच में घुस घुस के बना लूँगी व्लॉग, मेरा तो व्लॉग वैसे ही लेट आता है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसी के साथ आई होप करते हैं, मतलब मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग सब लोग अब कॉमेंट्स सोच समझ के करेंगे। हाँ बेटा खड़ी हो गई है, और इसको भी स्वेटर पहनाया था, निकाला है जस्ट अभी, गर्मी लग रहा था जैसे निकाल दिए, शांत हो गई। अच्छा नहीं माने, अच्छा नहीं माने, इसको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चा खिलाने के लिए खिलवा ली। किससे खिलवा ली? भैया भाभी से। तो गाइस अभी अगर मैं ऐसे बोलने लगूं कि आप लोग मत खिलाओ मेरा बच्चा, तो वो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं दुनिया में, कभी भी चाहे वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हो जाए। बिकॉज मेरे माँ बाप ने बचपन में भी ये चीज़ सिखाया है कि हम लोगों से चाचा चाची बात करे नहीं करे, लड़ाई हो झगड़ा हो कुछ भी हो, तुम लोग अपना बात किया करो। तो मैं तो अपने बच्चों को नहीं बोलूँगी, और हाँ मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि थोड़ा आप मेरे बच्चों को पकड़ लीजिए, और मैं मेरे बच्चे हैं तो डेफिनेटली मैं ही खिलाऊँगी। और रही बात संभालने की, तो वो चीज़ मैं ही करती हूँ, भैया मेरा पकड़ता है, लेकिन पॉटी वॉटी जो भी चीज़ें होती है वो सब मैं ही क्लीन करती हूँ। मुझे नहीं लगता एक बार भी, मतलब मैंने उन लोगों से भाई भाभी से तो कभी क्लीन ही नहीं कराया पॉटी वगैरह कुछ भी, कराया क्या, वो मेरी बच्ची है तो डेफिनेटली मेरा पूरा वो है कि मैं करूँगी। इसी बीच बहुत सारे लोग पता नहीं ये मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं खाने के लिए नहीं पूछी, ये चीज़ मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरा एक 4 साल का बेटा है जो कि घूम रहा था, और सबको वहाँ वीडियो की पड़ी थी, एक बार किसी ने लड्डू को नहीं बोला कि बाबू तुम खा लो, या मेरे भी ससुराल वाले आए थे, मेरे ससुराल वाले तो पूरी फैमिली आई थी, बट किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ आप जाओ खा लो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे घर आए तो मैं अपना अगर अपने घर का इज्जत बचाना चाहती हूँ तो मैं ही जाके पूछूंगी कि पापा आप कर लीजिए। उसके बाद मैंने पापा जी से अपने पूछा, रंजना के घर वालों को केटरिंग करवाना था कि उन लोगों को खाना वाना हो, नाश्ता वास्ता हो, तो डेफिनेटली जो गेस्ट है, मैंने निशा और को भी पूछा कि तुम लोग खाना खा लो, आप लोग खाए हो, तो वो लोग खा चुके थे, तो बोली कि हाँ हम लोग खा लिए। तो अगर आप मुझसे इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने प्रिंस को पूछूं, अपनी मम्मी पापा को पूछूं कि पापा मम्मी आप खा लीजिए, तो वो सेंसलेस है, या भैया भाभी को पूछूं। मैंने ना अपने मम्मी पापा को पूछा, ना प्रिंस को पूछा, और ना ही अपने भैया भाभी को पूछा, और ना पूछूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इनके घर में, मतलब ऐसे हम लोग इन्वाइट करके आते हैं, और रही बात पूछने की, तो मैं अपने गेस्ट लोगों का पूछूंगी जो आए हुए हैं, और ये नहीं कि जो घर संभाल रहे उनको ही पहले। मेरे घर पे भी यही नियम मैंने देखा अपने ससुराल में, हम लोग अपने लिए बाद में देखते हैं, पहले बर्थडे वर्दे जो भी चीज़ों में जो गेस्ट आते पहले वो खाते, भले हम लोग भूखे ही सो जाए या फॉर एनी रीज़न सिचुएशन में हुआ वो वहीं पे ख़त्म करते। बट मेरे से एक्सपेक्टेशन इज़ कि प्रिंस भी गया तो हम नहीं गए, जब प्रिंस को कपड़ा वपड़ा पहनाना था तो गाइस मेरे खुद ससुराल वाले पहुंच गए थे, तो मेरे लिए वहां जाना ज़रूरी था। बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इसके बाद मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ। शादी में आए हैं तो शादी एंजॉय करेंगे और एकदम धूमधाम से करके जितना हो पाए जाएंगे। फिलहाल कल देखती हूँ छुटकी को, मेरे को डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, तो देखते हैं ब्लॉग में क्या होगा, डॉक्टर को दिखाती हूँ, अगर ठीक हो जाएगा तो, अभी रोने भी लगी, तो यहीं पर करते ब्लॉग को एंड। बस यही।